नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 फरवरी 2023 के इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज को। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आज का आर्टिकल रहने वाला है। दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग थ्रू आउट द वीडियो डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और इन दोनों ही आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को समझिएगा। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होती है वो सब मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, जिससे कि एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो पहले हम लोग देखने वाले हैं पेरिस क्लब के बारे में, क्या है ये, किस तरीके से ये मदद करता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में कि वो खतरे में क्यों है। ओके, तो ये दोनों ही बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम लोग इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं पूरी वीडियो में। अब मैं कुछ और स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अन अकेडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन चलती हुई आ रही है। ओके, साथ ही दोस्तों आपको बता दूँ आज तक के लिए ऑफर वैलिड है आप लोग का। आप लोग जाइए और फ़ायदा उठाइए अन अकेडमी के फेवरी नोट्स बॉन्जा का। साथ ही आप लोग के लिए आज आप कह सकते हैं 12 बजे, ये हो गया होगा अभी आपका 4 फरवरी का, तो आप लोग इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिर बता दूंगा आपको 6 फरवरी तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है, आप लोग अभी जाके एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। और 9 फरवरी तक आप लोग के लिए जो प्रीलिम्स का सक्सेस प्रोग्राम है यहाँ पे भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं, बैच स्टार्ट हो जाएगा आपका। 0% की EMI अवेलेबल है, फ़ायदा उठाइए इसका। ओल्ड राजेंद्र नगर में नया अकेडमी सेंटर खुल चुका है, जहाँ पे 4 फरवरी से आपके फाउंडेशन बैच की क्लासेस चालू हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एक्सपर्ट टीचर हैं ये आपकी मदद करने वाले हैं आपके ऑफलाइन कोचिंग में, जिनकी मदद से आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए डिस्कस करते हैं पेरिस क्लब के बारे में। देखिए पेरिस क्लब क्या है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। हुआ, इसके अंदर ग्रुप है उन सभी क्रिएटर नेशंस को, जो कि आप कह सकते हैं ऐसे नेशन जिनको यहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ी मनी प्रॉब्लम हो रही है, उनकी इकनॉमी इतनी ठीक नहीं चल रही, जैसे कि श्रीलंका वगैरह हो गया, उनको यहाँ पे फाइनेंशियल एश्योरेंस देने का काम करती है टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिससे कि श्रीलंका का डेट जो था उस केस में हमें सेम टू सेम ये बात देखने को मिली और वहाँ पे पेरिस क्लब ने बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान दिया। जो एक एश्योरेंस होता है फ्रॉम द पेरिस क्लब, या फिर आप कह सकते हैं किसी और बायलेटरल क्रिएटर से, वो एक तरीके का यहाँ पे आप कह सकते हैं कंडीशन रहती है, जहाँ पे जो श्रीलंका है वो फुलफिल करेगा अपने IMF से लिए हुए यहाँ पे आप कह सकते हैं लगभग $2.9 बिलियन पैसे के पैकेज को। जब यहाँ पे आप कह सकते हैं लास्ट ईयर श्रीलंका का आपको पता होगा वहाँ की इकोनॉमी कोलेप्स हुई थी, उस टाइम पे हमें यहाँ ये दिक्कत देखने को मिली। अब देखिए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि आखिर पेरिस क्लब क्या है, फिर देखेंगे ये क्लब काम कैसे करता है और श्रीलंका का क्या केस था ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले है पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादातर जो हमारे वेस्टर्न क्रिएटर कंट्रीज हैं जो कि आप कह सकते हैं ग्रो हो चुकी हैं 1956 से। ओके, अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने इसको ज्वाइन किया है और ये सारी की सारी मिलकर भी 22 नेशन इसके अंदर आते हैं और इन सभी का यही ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से ये सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन दे सकते हैं उन कंट्रीज़ को जो कि अपने बायलेटरल लोन्स को पे नहीं कर पाती है। मान लीजिए कोई कंट्री है, छोटी कंट्री है, थोड़ी सी इकोनॉमिक दिक्कत आई उसको और उसने यहाँ पे IMF से पैसा ले लिया, एक स्टैंडर्ड केस मानते हैं, तो IMF से जब उसने पैसा लिया बाद में वो उसे पे नहीं कर पा रहा होगा, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसी कंट्रीज ऐसे क्लब मिल के आते हैं और उसका साथ देते हैं कि वो पे कर दें पैसे को और फिर बाद में अपने में ही ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं। इसी के अंदर दोस्तों 22 कंट्रीज़ हैं और 22 की 22 जो कंट्रीज़ हैं वो है मेंबर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट की, जो पेरिस क्लब है। इसके अंदर अभी तक मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इसराइल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रशिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, UK और US, ये सारी की सारी हैं। ओके, जो पेरिस क्लब है इसने यहाँ पे अब तक 478 एग्रीमेंट्स कर दिए हैं विद 102 डिफरेंट डेबिटर कंट्रीज से 1956 से। दोस्तों अब तक यहाँ पे जो डेट ट्रीट है ये कुछ ऐसा फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया है कि पूरे एग्रीमेंट का जो अभी तक का पैसा गया है अमाउंट वो लगभग पहुँच चुका है $614 बिलियन का। अब आखिर ये क्लब काम कैसे करता है? पेरिस क्लब दोस्तों ऑपरेट करता है एक बहुत सिंपल से प्रिंसिपल्स पे, जहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट अगर आप कह सकते हैं डेबिटर कंट्री तक पहुँचता है तो उसे यहाँ पे अप्लाई करना होता है इक्वली टू द ऑल इट्स पेरिस क्लब क्रेडिटर को। जो डेबिटर यहाँ पे कंट्री है वो साइन करेगा एक एग्रीमेंट विद द पेरिस क्लब क्रेडिटर्स, जहाँ पे वो आप कह सकते हैं शुड नॉट एक्सेप्ट वो किसी और, मतलब आप मान लीजिए कि किसी और से पैसा नहीं लेगा। एक बार का साइन हो गया ना तो फिर आप किसी और से पैसा नहीं ले सकते हैं। आप लोग को अगर पैसा लेना है तो सिर्फ उनसे ही लेना पड़ेगा जो कि पेरिस क्लब में है, उन्हीं के साथ आपकी डीलिंग रहने वाली है और किसी के साथ आपकी डीलिंग नहीं रहने वाली है। इस तरीके से काम करता है और आप लोग मतलब लेन देन का काम सेम चलता है, ऐसा नहीं रहता है। अभी देखिए मैं बताऊँ आपको श्रीलंका का केस क्या था। चाइना, जापान, इंडिया और यहाँ पे आप कह सकते हैं ये सब रहे। इसके साथ जो श्रीलंका के लार्जेस्ट बायलेटरल क्रेडिटर हैं वो है, मतलब हम लोग
आप मान लीजिए कि हम लोग सबसे ज़्यादा इन्हें पैसा देते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका क्या हुआ दोस्तों, डेट में था अभी 52% अपने बायलेटरल डेट में चाइना के साथ, 19.5% था जापान के साथ, और हमारे साथ था 12% का। तो जापान जो है दोस्तों मेंबर है पेरिस क्लब का। श्रीलंका दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं एश्योर दिलाता है फ्रॉम चाइना और इंडिया इसके साथ। पेरिस क्लब में दोस्तों क्या हुआ कि दोनों ही कंट्रीज यहाँ पे ऑन बोर्ड हुई, बट जो हमारा नेशन है बेसिकली न्यू दिल्ली जो है, इसने लॉन्च किया अपना खुद का बायलेटरल नेगोशिएशन विद दी कोलंबो। इस तरीके से चलता हुआ आया। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे एस जयशंकर साहब, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया, रिटर्न में लिख के दिया टू दी IMF, और ये बोला कि हम इसकी गारंटी लेते हैं किसकी, श्रीलंका की पैसा दे देगा, ये बात हमने कही जाके इनसे। ओके, इस तरीके से ये काम हुआ। अभी क्या दोस्तों, यहाँ पे विक्टोरिया नूलैंड जो है, जो कि US की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो यहाँ पे श्रीलंका में टूर करके आई थी, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पे चाइनीज ऑफर को नॉट इनफ बताया था। ये केस हमें निकल के आता है। अभी क्या है कि जो चाइन श्रीलंका है बेसिकली, ये आप कह सकते हैं पेरिस क्लब के एश्योरेंस में आ रहा है। ओके, और जब ये एश्योरेंस में आ जाएगा तो एक तरीके से श्योरिटी रह जाएगी श्रीलंका के पास कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है इसके लिए पेरिस क्लब के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सब इसका साथ देंगे, और कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल आता है कि जो अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है इसके बारे में। बहुत छोटे से कम्युनिटीज चालू हुई है पूरा ये बिजनेस है दोस्तों, जो कि अब एक फ्लैगशिप बिजनेस बन चुका है बाय द गौतम अडानी। हम देखेंगे इनकी हिस्ट्री कैसे कैसे बनता हुआ है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि दो मतलब आप कह सकते हैं 25 जनवरी से कितने बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस जो है इसने अपनी फॉलो किया ऑन पब्लिक ऑफरिंग को, ओके FPO को इसने फॉलो किया, जिसके अंदर इन्होंने लगभग 20,000 करोड़ के ओपन सब्सक्रिप्शन को दिया ऑन January 25 अपने सभी एंकर इन्वेस्टर्स को। ओके, लेकिन यहीं पे आती है, एक US बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करी, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अडानी ग्रुप के बारे में कुछ बातें बोली, और उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो अडानी ग्रुप है ये मैनिपुलेट या फिर अकाउंट करता है फ्रॉड वगैरह को। ओके, साथ ही दोस्तों उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने इसको बताया कि पूरे तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है ये मेलिसिडिस थी, और यहाँ पे काफ़ी आप कह सकते हैं मिस अचीविस है, मतलब कि एक तरीके से उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश करा गया है। ओके, जो ग्रुप है दोस्तों इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो डाउन होकर गिर गया, बता दूँ 19.18 लाख था January 14 को। ओके, और 3 फरवरी को दोस्तों ये 10.7 हो गया, करोड़ की बात है यहाँ पर, 10.7 लाख करोड़ की। अब इतना पैसा का डाउनफॉल हो जाना ये बहुत बड़ी बात है खुद में ही। फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइज जो है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं काफ़ी ह्यूज सेलिंग प्रेशर में है वेनसडे से। ओके, थर्सडे को दोस्तों लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा कमी आई, 54% तक की कमी यहाँ देखने को मिली। गौतम अडानी साहब ने ये भी बोला है कि वो रिफंड कर देंगे अपने इन्वेस्टर को सारी मसी, मतलब जो भी मनी उनकी लगाई है उनको सब वापस दे देंगे, पर ये बात है कि जो डिसीजन है वो तब लिया जाएगा, उस दौरान लिया जाएगा जब उनके इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को यहाँ दिक्कत होगी उस टाइम के लिए, और ये मेंटेन करने के लिए कि इन्वेस्टर थोड़े से आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में इनके साथ काम करें, इस बात को इन्होंने इसलिए कहा। जो शेयर प्राइस अडानी के ये काफ़ी कम हो गए, सिग्निफिकेंट यहाँ पे इरोजन हमें देखने को मिला। जो नेटवर्थ है अडानी गौतम अडानी साहब की वो कम हो गई, थर्ड स्पॉट पर आ गए, वो पहले थर्ड पे थे ग्लोबली, अब वो 17th स्पॉट पर आ चुके हैं, ये खुद बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करते हैं इनके ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री के बारे में, तो गौतम अडानी साहब ने जब वो 26 साल के थे स्कूल ड्रॉप आउट किया और यहाँ पे खुद से ही बहुत छोटे तरीके से चालू किया एक बिजनेस। ओके, जिसको यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर स्टेब्लिश किया था है एक फर्म की तरह 1988 के अंदर। उन्होंने रजिस्टर किया, इनकॉपरेट किया अहमदाबाद को एज अ अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ऑन March 2, 1993 के अंदर, और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने उसी को चेंज करके नाम रख दिया अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को, जो कि आप कह सकते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी को भी दिखाता है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारे काम किए, इशू किया अपना रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑन August 10, 2006 में। ये कंपनी दोस्तों एक्वायर करती है कोल माइंस इंडिया में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और बन चुकी है कंट्री की लार्जेस्ट प्राइवेट कोल इंपोर्टर। जो पावर यूनिट है प्रमोट होते हैं वो लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूसर्स में से एक है। साथ ही दोस्तों बता दूं जो AEL है ये एंटर कर चुकी है पोर्ट्स और एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर ही, और इसने यहाँ पे एक्वायर भी किया है अंबुजा सीमेंट को और ACC को मई 2022 के अंदर। एक तरीके से बहुत तगड़ा बिजनेस यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। अगर हम करंट एक्टिविटी के बारे में बात करें कि अडानी कितना ज़्यादा इंडिया में पैसा लगा रहा है फिर कितना कुछ कर रहा है, तो इस टाइम पे जो है कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की बात करती है, और ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनक्यूबेट बिल्ड और डेवलप करने वाली है एंड टू एंड इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम को फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं, इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट भी आते हैं, जैसे कि विंड सोलर मॉड्यूल्स, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पे कैसे प्रमोट कर रही होगी। ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया जाने वाला है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में भी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ग्रीन नाइट्रोजियस
फर्टिलाइजर, अमोनिया, यूरिया, इन सभी को डोमेस्टिक या फिर एक्सपोर्ट करने की बात यहाँ पे करी जा रही है। ये दोस्तों इस टाइम पे 7 एयरपोर्ट को ऑपरेट करते हैं, मुंबई में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, मैंगलुरु में, जयपुर, गुवाहाटी और यहाँ पे जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर भी। इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया पूरा एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नवी मुंबई के अंदर। सितंबर 30, 2022 को 14 आप कह सकते हैं रोड एसेट जो हैं वो इनके अंदर आते हैं कमर्शियल ऑपरेशन के तौर पर। AEL ने यहाँ पे दोस्तों माइनिंग का सर्विसेज भी इंक्लूड करवाई हैं, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग लेती हैं, डेवलपमेंट प्रोडक्शन लेती हैं, ओके रिलेटेड कोई भी यहाँ पे सर्विस होगी वो लेती हैं। साथ ही इनके यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज हैं ऑफ कोल, जिसके अंदर यहाँ पे ये लोग कोल को मार्केट पॉकेट से या फिर आप पूरे तरीके से डिलीवरी करवाती हैं कोल्स की टू द इंडियन कस्टमर। जो मैन्युफैक्चरर है दोस्तों ये भी है ये मार्केट में, ब्रांड फूड MFCG इसका खुद का है यहाँ पे, अडानी वन करके आप मान सकते हैं, वो भी आप कह सकते हैं सुपर ऐप है इनका, जो कि आप कह सकते हैं हर तरीके से जो भी कंज्यूमर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता है। अडानी, टाटा, ये सब ऐसे लोग हैं जो कि भारत देश में आप कह सकते हैं नंबर वन पे हैं और भारत की जो इकोनॉमी है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी करती है इन पर। AEL जो दोस्तों मैं बताऊँ अगर इसके बारे में, तो अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं, ओके यही इनके जो यंगर ब्रदर हैं राजेश अडानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रणव अडानी जो कि सन है गौतम अडानी के एल्डर ब्रदर के, विनोद अडानी हो गया, ओके ये सब ऑन बोर्ड हैं, मतलब इनके बोर्ड मेंबर हैं बेसिकली। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ चलती हुई आ रही हैं, इनके और भी मेंबर हैं जो कि चला रहे हैं इस पूरी कंपनी को, पर दो आप कह सकते हैं नाम बड़े आते हैं, दो इनके बेटे हैं अडानी साहब के। पहले हैं CEO ऑफ दी अडानी पोर्ट्स करण साहब और दूसरे हमारे जीत जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ग्रुप फाइनेंस के। ओके देखिए जो AEL की परफॉर्मेंस है, अगर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दूँ तो बता दूँ इनका जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो लगभग 26,000 करोड़ रुपये का हुआ था और प्रॉफिट इन्होंने लिया था 720 करोड़ रुपये का फिस्कल ईयर 2022 के अंदर। ओके और जो सेकंड क्वार्टर आता है जो कि आप कह सकते हैं सितंबर 2022 में खत्म हुआ, वहाँ पे इनका जो रेवेन्यू हुआ था वो लगभग 22,000 करोड़ रुपये का हुआ था और उस टाइम पर इनका टोटल प्रॉफिट हुआ था 469 करोड़ का। काफ़ी बड़ा बिजनेस, काफ़ी पैसा, काफ़ी कुछ यहाँ पे होता है, तो कोई एक रिपोर्ट जारी हो जाने से आप लोग एक तरीके से चीज़ें मान नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस को चलाने में दोस्तों काफ़ी टाइम भी लगता है और आपने को पैसा, दिमाग सब लगाना पड़ता है, अपनी पूरी मेहनत लगानी पड़ती है, एक रिपोर्ट पे लोग डिपेंडेंट नहीं हो जाएं ये मैं बताना चाहूँगा। और इसके आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स में अडानी साहब ने भी यहाँ पर बहुत मोटी किताब तरीके से एक रिपोर्ट भेजी थी, वो लोग भी अगर आप लोग जान जाएँ तो उसके बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन है। ओके अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। पर आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और थोड़ी सी आवाज़ में आ रही होगी प्रॉब्लम, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है। ओके दोस्तों पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुकाम ठीक हो गया तो और अच्छे तरीके से लेक्चर लेंगे, नहीं दिया तो ऐसे लेते रहेंगे, पर मज़ा आएगा आपको। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।